तो भाई छोटों को हेलो, बड़ों को प्रणाम, सभी दर्शकों को अपनी राम राम। तो यार नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई अभी चलते हैं एक बार मार्केट में, मुझे लेना वन प्लस का मोबाइल जो कि होने वाला है वन प्लस 11R। और करंटली मैं यूज कर रहा हूँ आईफोन 13 जिससे ये वीडियो बन रही है, और है मेरे पास ये सैमसंग गैलेक्सी M52। मैं इस एंड्रॉयड फ़ोन को अपग्रेड करने जा रहा हूँ, तो अभी चलिए चलते हैं, तो देखते हैं यार कहाँ पे हमें एक अच्छी डील मिलती है या कहाँ पे हमें मोबाइल मिलता है। तो भाई ये आ गए रोहतक की सड़कों पे, तो अभी आगे देखते हैं हम किस मार्केट में जाते हैं पहले, फिर वहीं पे सर्च करेंगे। तो भाई चलते चलते बस अब पहुंचने वाले हैं सुखपुरा चौक पे, वहां से जा रहे हैं गोहाना अड्डा। गोहाना अड्डे की मार्केट, यहाँ पे मोबाइल ही मोबाइल। देखते हैं हम कौन सी दुकान पे जाते हैं। तो भाई सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि छोटू राम चौक पे वन प्लस का शोरूम है, तो वहीं जा रहे हैं अभी। वाह भाई कितनी प्यारी बिल्डिंग है, वाह वेरी अमेजिंग। ये भाई छोटू राम चौक पे वन प्लस का स्टोर। परचेज कर लिया अपना वन प्लस 11R, तो ये पड़ा 39999, मतलब करीब 40,000 कह रहा हूँ। भाई अपना मोबाइल वगैरह सब ले लिया है, अब घर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको घर जाके मिलते हैं। भाई साहब बाहर गर्मी इतनी हो रही है जैसे पूरे शहर के तंदूर इकट्ठे करके एक जगह ही जला रखे हैं। ओहो, तो भाई अपना सामान आ गया है, अपना मोबाइल आ चुका है और उसके साथ कुछ एक्सेसरीज वगैरह हैं, तो वो सब मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक बार। तो यार अपने पास आ चुका है 40,000 की रेंज का सबसे बेस्ट मोबाइल जो कि है वन प्लस 11R। तो यार इसको मैं बहुत दिन से मैं अंडर 40,000 के अंडर बेस्ट मोबाइल की वीडियोस देख रहा था, तो वन प्लस 11R सबसे बेस्ट लगा। वन प्लस का मोबाइल मेरे को एक बार ट्राई भी करना था कभी ना कभी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैंने स्टोर पे भैया से तो अनबॉक्स करवा लिया था, पर अभी अपने अनबॉक्स करने की बारी है, तो मैं इसे अनबॉक्स करता हूं और बारी बारी से इसकी सारी चीजें दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फाइनली हमें मिल चुका है अपना वन प्लस 11R, और ये है इसका रेड बॉक्स। रेड कलर होता है प्यार का कलर, तो भाई इस मोबाइल से भी हमें काफी ज्यादा प्यार है। तो यार सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले बॉक्स की तरफ, जो इसके अंदर एक बॉक्स है। तो ये है एक बॉक्स टाइप का, अभी इसको ओपन कर लेता हूं। तो इसमें हमें मिलता है एक बैक कवर जो कि बढ़िया क्वालिटी का है, और ये रबर में है पूरा। मैं वैसे बाहर से ही बाय करूंगा क्योंकि मैं मोबाइल की प्रोडक्शन वगैरह काफी अच्छे से रखता हूँ। तो इसको रखते हैं यहाँ साइड में, और इसमें देखते हैं बाकी चीजें क्या क्या मिलती है। और ये है वन प्लस वालों की जायदाद के भाई कागजात वगैरह। और ये आती है अपनी पिन, और ये बालों में लगाने वाली पिन नहीं है, ये है सिम इंजेक्टर टूल जिसके साथ हम सिम कार्ड वाले स्लॉट को निकाल सकते हैं और वहां पे सिम वगैरह अपनी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी रख लेते हैं साइड में। और यहाँ पे आती है अपनी मेन चीज जो कि है अपना मोबाइल। तो आप इसका एक बार लुक देख सकते हैं, कितना ही ज्यादा हैंडसम, कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है ये। तो भाई मेरे से भी ज्यादा ही हैंडसम है, मेरे को इसका पूरा लुक काफी बढ़िया लगा। और ये कुछ मैटी ब्लैक टाइप सा कलर है, काफी बढ़िया कलर लग रहा है ये भी। ब्लैक कलर ही मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसके साथ एक सिल्वर कलर भी था पर मैं ब्लैक कलर की तरफ गया हूँ। और ये मोबाइल थोड़ा कर्वी डिस्प्ले में आता है, इसको वैसे हमने स्टोर पे ऑन कर लिया था, और मैंने इस पे स्क्रीन गार्ड भी लगवा लिया है जो मुझे पड़ा आ रहा हूँ 800 रुपए का। तो कर्व डिस्प्ले वाले मोबाइल्स के स्क्रीन गार्ड भी भाई काफी ज्यादा महंगे आते हैं, तो आप इसकी डिस्प्ले वगैरह देख सकते हैं भाई काफी ज्यादा बढ़िया है। अभी इसको भी रख देते हैं साइड में, और अभी चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे आता है एक मैसिव चार्जर, भाई चार्जर है या ट्रांसफॉर्मर इतना बड़ा, ये 100 वोल्ट का चार्जर है, और प्लग झपकाते ही आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आती है इसकी रेड रेड केबल जो कि काफी ज्यादा लंबी है। तो ये सब कंटेंट है जो हमें इसके बॉक्स में मिलता है। अभी आपको दिखाता हूँ मैंने बाहर से क्या एक्सेसरी बाय की। तो यहाँ पे आते हैं अपने वन प्लस टाइप सी बुलेट ईयरफोन्स। तो इनकी साउंड क्वालिटी भी मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, ये काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर थे और काफी ज्यादा लाउड थे।
तो ये वन प्लस का मोबाइल मैं सोच रहा हूँ करीब 2 से 3 साल तो जरूर चलाऊं। वैसे मैं मोबाइल जनरली 1 साल या 1.5 साल में चेंज करता रहता हूँ, इस वजह से भाई मेरी मम्मी भी हमें काफी ज्यादा डांटती हैं, पर कोई नहीं, इस बार हम ट्राई करेंगे इसको 2 से 3 साल तक कम से कम रखने का। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर एक अच्छा सा कमेंट करें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सफर विद सैम को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।